Hi you guys, welcome or welcome back to my channel. So today I'm going to do Nykaa haul. So ये बहुत ही बड़ा Nykaa haul होने वाला है because ये मेरा engagement shopping है and मैं अपना engagement का पूरा look खुद से create कर रही हूँ. So that's why I got a lot of stuff from Nykaa because I like shopping from Nykaa. So मेरा तीन डब्बा है, एक छोटा डब्बा, एक medium size डब्बा and then I have a बिग डब्बा. सो टोटल मैंने आई थिंक अराउंड 11,000 स्पेंड किया है एंड ऑल्सो 23-24 चीज़ें मंगाई है. सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट विथ यू ऑल. सो लेट मी टेल यू दैट आई एम गेटिंग एंगेज्ड इन टू डेज. आज 26 दिसंबर है एंड 27th कल सारे गेस्ट, रिलेटिव्स, कजन सब आ जाएंगे. लेट्स ओपन दिस बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड. केक कट करने से ज़्यादा मज़ा ना Nykaa के बॉक्स कट करने में आता है. एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ. ये मेरे नेल्स को एक सप्ताह हो गया है. मैंने बहुत संभाल के रखे हैं, टच उड बिकॉज यहाँ पे नेल्स भी नहीं होते हैं. तो मैं पुणे से नेल्स करा के ही यहाँ आई थी. इट्स अ बिग पैलेट. दिस इज अ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट. इट्स क्रीमी, इट्स वेरी क्रीमी एंड पैलेट इज रियली गुड बिकॉज में बहुत सारे कलर्स है. तो अगर आपका कुछ मिसमैच भी हो जाता है ना देन यू कैन यूज़ दिस पैलेट. क्योंकि आई विल यूज़ द ऑरेंज करेक्टर एंड ऑल द बेस अ लिटल बिट टू क्रिएट माई बेस. सो दिस इज अ लॉरियल कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन वेट एंड ड्राई 24 आवर्स फ्रेश फाउंडेशन. एंड इसके बारे में मैंने बहुत सुना था. आई गॉट दिस इन द सेज गोल्डन बेज. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच. लेट मी जस्ट ओपन इट. मैंने इसका बहुत अच्छा रिव्यू सुना है. सो लेट जस्ट स्वाइप इट एंड यूज इट. इट इज़ फॉर द टच अप. लाइक आप वहाँ जाते हो तो आप टच अप करने के लिए आप यू कैन नॉट यूज़ क्रीम प्रोडक्ट. सो देयर शुड बी समथिंग विच हाई कवरेज एंड ये बहुत ही ज़्यादा कवरेज का लिखा हुआ था. मतलब क्लेम कर रहा है कि बहुत ही हाई कवरेज है. सो इट विल हेल्प मी टू कवर अप एवरीथिंग. सो दैट्स वाई आई गॉट दिस. क्योंकि आप इसको फाउंडेशन की भी तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर अ ऑयली स्किन पर्सन एंड यू कैन यूज़ इट एज अ कॉम्पैक्ट इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन. सो लेट्स सी कोई भी मेरा पिम्पल्स पे मैं काम करेगा. ओ आई थिंक इट विल वर्क. इसीलिए मैंने हाई कवरेज फाउंडेशन लिया है प्लस कॉम्पैक्ट लिया है ताकि मैं टचअप कर सकूँ अपने मेकअप के ऊपर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Nykaa मैट टू लास्ट लिपस्टिक. ये मिनी लिपस्टिक है. माई फेवरेट शेड बॉम्बे. आई कैन यू सी द पैकेजिंग. लाइक इसमें आधा प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है ना कि आधा प्रोडक्ट ना इसका उड़ चुका है यहाँ पे. यू कैन सी बहुत ही कम प्रोडक्ट होता है इसमें कि आप एक दो बार ही लगा सकते हो, नॉट मोर देन दैट. तो मैं स्वॉच भी करना नहीं चाहती बट स्टिल लेट्स डू इट. इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. या इट्स अ पिंक न्यूड एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड. सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट. सो या दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू यूज ऑन माई एंगेजमेंट एंड चीज़ थी. ओके आई गॉट दिस लॉरियल इनफेलेबल फुल कवरेज कंसीलर. मैंने सोचा फाउंडेशन लेने से अच्छा कंसीलर ले लेते हैं. इट विल हेल्प मी एंड ऑलरेडी मेरे पास फाउंडेशन है विच इज़ फ्रॉम मेबलिन 24 आवर्स एंड इट इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन एंड बहुत ही मतलब मीडियम टू हाई कवरेज है. यू कैन बिल्ड इट बट इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग कंसीलर. बट इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा रिव्यू सुना था एंड ये सारा मैंने रिव्यू सुन सुन के ही लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम. सिंग इट मैचेज माई शेड्स परफेक्टली. लेट मी जस्ट ओपन इट. ओपनिंग दीज काइंड ऑफ बॉटल इज अ टास्क. सो लेट इट बी. आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट. इट इज़ अ कॉसरेक्स स्नेल पावर एसेंस. पहले मैं बहुत अच्छा अच्छा सुना था कि ये पूरा ग्लास काइंड ऑफ स्किन देता है. दैट्स वाई आई थॉट दैट आई हैव टू गेट इट. एंड मैं कभी इतना स्पेंड नहीं कर पाती अगर इंगेजमेंट या शादी नहीं होता. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझे महंगा चीज़ लेने का मन है ना वो मैं इंगेजमेंट के टाइम करूँगी ताकि मुझे ज़्यादा दुख ना हो. क्योंकि मैं अनदिना ऐसे करूँगी ना ऐसे मैं खरीद नहीं पाती हूँ चीज़ें. तो मुझे लगा कि ठीक है शादी और इंगेजमेंट के टाइम चलता है. उससे मैं कोई आपको कुछ बोलेगा भी नहीं अगर आप इतना खर्च कर रहे हो तो. एंड दैट्स वाई मैंने सोचा मेकअप आर्टिस्ट हायर करने से अच्छा है दैट आई कैन गेट ऑल दीज थिंग्स. सो वाओ व्हाट अ बॉटल. इट्स अ नाइस बॉटल. एसेंस हेल्प्स द स्किन टू लूज लेस मॉइस्चर वाइल कीपिंग द स्किन स्मूथ एंड हेल्दी. सो इट्स अ स्नेल सेक्रेशन. हिंदी में नहीं बोलूँगी मैं. दिस इज़ द लैक्मे ब्लर परफेक्ट प्राइमर. पहले मैं बहुत हाई एंड प्राइमर में जा रही थी विच इज़ बेनिफिट का 7 ml का प्राइमर विच इज़ 1000 rupees. सो आई वॉज लाइक
बहुत ज़्यादा हो रहा था 8 ml, मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी. फिर मुझे इसका मिनी मिल गया विच इज़ वॉज फॉर ₹200, ये 200 का है. एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है लाइक, एंड ये भी बहुत ही छोटू सा है बट 200 का है, तो इट इज़ वर्थ इट. तो लॉट्स ऑफ फ्रेग्रेंस, लेट मी जस्ट अप्लाई हियर एंड सी, हियर एंड हियर. डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस. अमार्स आई कलर ग्लिटर जो मैंने लिया है विच इज़ इन द शेड सिल्वर, आई एम रियली हैप्पी. मेरा ड्रेस बहुत ही सुंदर है. इट इज़ इन द शेड कॉस्मिक ग्लो, इट इज़ अ लिक्विड शैडो आई शैडो. स्वॉच इट हियर, इट्स पिगमेंटेड, इट्स रियली नाइस. जस्ट डू दिस डैब 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 डैब, सो इट्स लुक्स लाइक दिस, इट्स नाइस. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर माई आई मेकअप, आई लव इट. एक और शेड मंगाया है विच इज़ अगेन फ्रॉम मार्स ओनली, एंड ये 200 का था, आई थिंक 250 या 200 का है. एंड दिस इज़ इन द शेड, आई थिंक इट्स अ लिटिल पोल स्टार, द शेड नेम इज़ पोल स्टार. और दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड शेड. इफ़ यू वॉन्ट टू यूज समथिंग लाइक शैम्पेन पिंक काइंड ऑफ शेड ना, इट्स गुड, इट्स अ शैम्पेन पिंक काइंड ऑफ शेड. वाओ, आई लव इट, I just love it. And it's very pigmented, okay? It's very pigmented. You have two are really, really good. I will use it on my engagement look. So you will see there. So this is the Sugar Ka Contour D-Force Face Palette 01 Subtle Summit. 01 Subtle Summit. Okay. Oh, nice. Mirror toota hua hai. Look at this mirror. Ye mirror toot chuka hai. ये बहुत बहुत अच्छा पैलेट है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, दैट्स वाई आई गॉट इट. बहुत 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 मस्त पैलेट है, आई लव दिस पैलेट, रियली रियली वेरी वेरी नाइस पैलेट है. इसका तीनों शेड अच्छा है, बट सिंस इट्स ब्रोकन मैं इसको सोचूंगी कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ. लेट्स सी, अगर मेरा वो वाला पैलेट जो मैंने ऑर्डर किया है ना फेस पैलेट वो आ जाता है तो मैं ये वाला रिटर्न कर दूंगी. एक्चुअली इट इज़ लाइक उसमें आई शेडो भी है और ये तीनों शेड भी है, सो इट इज़ अ कम्प्लीट पैलेट. सो द नेक्स्ट इज पैक का माइक्रो फिक्सर. पहले मैं मैक का ऑर्डर करने वाली थी बट मैक में बहुत कम प्रोडक्ट मिल रहा था, लाइक 30 ml मिल रहा था, एंड इट्स अ 120 ml का फिक्सर है. ये मुझे 1000 rupees का पड़ा एंड मैक वाला मुझे 1300 का 30 ml मिल रहा था. सो आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड इसका रिव्यू मैंने मालविका सितलानी के चैनल पे देखा है एंड शी लव्ड इट. मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ना मेकअप फिक्सर का कि स्प्रे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर स्प्रेड अच्छे से होगा ना इवनली तभी फ़ायदा करता है. एंड रिव्यू तो अच्छा था ही इसका. सो या It smells good and बहुत ही evenly spread हुआ ये, एकदम डिओ के स्प्रे जैसा है ताकि हर जगह evenly ये सेट करेगा. एंड इट्स नॉट लाइक स्टिकी, नाइस नाइस, इट्स नाइस. लेट्स सी कितना देर मेरा मेकअप होल्ड करके रख सकता है ये. देन आई हैव शीट मास्क, दिस इज़ अ लेमन शीट मास्क. मैंने 2 lemon मंगाया है एंड एक मैं राइस भी मंगाई होंगी आई गेस. आई शीट मास्क एंड 2 lemon शीट मास्क. कल मैं एक शीट मास्क लगाऊंगी एंड परसों मैं एक शीट मास्क लगाऊंगी बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन. सो मैं मेकअप से आधे घंटा पहले ये शीट मास्क लगाऊंगी. आई थिंक लेमन इज़ वेरी गुड, बहुत मतलब इसको लगाने के साथ ही ना आपका थोड़ा सा फेस एकदम ग्लो करने लगता है एंड बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है. तो मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, जस्ट फॉर अ एंगेजमेंट पर्पस मैं ली हूँ, ताकि क्योंकि अभी ठंडे का टाइम है तो स्किन ज़्यादा ड्राई होगा. सो मैं ये आधे घंटे पहले लगा के इसको आराम से रिलैक्स करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट विथ माई मेकअप विथ ऑल द प्रोडक्ट्स. ताकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाइड्रेटेड होना चाहिए. अगर आपका बेस हाइड्रेटेड रहेगा ना तो बहुत ही ग्लोई सा मेकअप होता है. आई गॉट माई ब्रश, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मार्स. मैंने मार्स का 3 चीज़ें ऑर्डर की है. द ब्रश लुक्स रियली रियली नाइस एंड लग्जूरियस, लग्जरीश. वाओ, दिस ब्रश लुक्स रियली रियली नाइस. मैंने रैंडमली ऑर्डर कर दिया था एंड ये मुझे 1000 rupees का पड़ा. हाँ, 1000 rupees का ब्रश पड़ा. दिस इज़ द फर्स्ट ब्रश सेट जो मैंने अच्छे क्वालिटी का मंगाया है एंड आई मेकअप के लिए अच्छा ब्रश मंगाया है. अदरवाइज एक कोई भी रैंडमली ब्रश से आई मेकअप कर लेती थी किसी तरीके से. इट्स नाइस, इट्स सॉफ्ट, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. या इट्स रियली रियली गुड, रियली रियली नाइस. आई डोंट वांट टू टेक ऑल ऑफ आउट बट इट्स रियली गुड. एंड लुक एट दिस ब्रश,
दिस ब्रश इज़ फॉर आई मेकअप एंड आई रियली रियली नीडेड इट फॉर आई मेकअप. मेरे पास फेस ब्रश बहुत सारे हैं बट आई ब्रश नहीं है. एंड लुक एट द वॉल्यूम. It will really help me to blend nicely. It will really really help me. First lip liner I will ever use. It is from Nykaa Lips Don't Lie Lip and Fill Your Lines, and it is in the shade Pillow Fight 02. Because I love pink nude, so I think it will be perfect for. So this is the shade. I'm not able to open it because मेरा नाखून काम नहीं कर रहा है क्योंकि it's not my original नाखून. ओके आई गॉट अ पैक ट्रांसलूसेंट पाउडर. इट इज़ फॉर रुपीज़ 195. इट्स लाइक दिस. और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ सो आई डोंट नो अबाउट इट कि कितना अच्छा है कितना नहीं. मैंने इसका रिव्यू भी नहीं देखा. बस मुझे एक लूज पाउडर चाहिए था एंड पैक का था तो मैंने ले लिया इसको बिकॉज इट वॉज फॉर रुपीज़ 195. तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई इट. So I don't know how it will work, but let's see. This I have tried. This is a plum 10% niacinamide and rice water serum. और ये बहुत बहुत अच्छा serum है. It hydrates your skin like it's a juice. और ये बहुत देर तक hydration देता है and एकदम glass kind of skin होता है ना एकदम वैसा बना देता है. I love this serum. So that's why I got it. मुझे बहुत बहुत पसंद है. इसमें 10% niacinamide है and rice water है. सो आई रियली लव इट. दोनों प्रोडक्ट मेरे को बहुत सूट करता है. सो मेरे मेकअप के अंदर ना एकदम अच्छे से ग्लास काइंड ऑफ फिनिश देता है ये लुक. सो दैट्स व्हाई इट्स हियर. इट्स रियली 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 गुड सीरम. ऐसे लगता है ना वेरी वेरी ब्यूटीफुल. दिस सीरम इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई हैव यूज लाइक 2-3 बॉटल्स और मैंने ये बॉटल्स लाइक मेरा चौथा पांचवा बॉटल होगा एंड आई थॉट कि मेकअप के नीचे मुझे यही चाहिए सो दैट आई कैन फील गुड अबाउट इट. आई गॉट दिस आई पेंसिल एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. आई थिंक वो जो आइस वाली लड़की है ना जो ऐसे काजल लगाती है वो यही पेंसिल यूज़ करती होगी बिकॉज इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. मेरी मम्मी को मैंने दिया है बट मैं अभी तक यूज़ नहीं की हूँ. सो आई विल यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वैसे मैं काजल उतना लगाती नहीं हूँ बट ओके फाइन. दैट आई फिनिश्ड माई बिग बॉक्स. अर्थ रिदम टेंट विच इज इन द सेड ब्रांडी आई गेस. ये बहुत ही अच्छा टेंट है. बहुत ग्लास एंड बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देता है स्किन में. आई रियली रियली लव दिस टेंट. बहुत मस्त टेंट है. लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेंट अवेलेबल इन द मार्केट. बेनिफिट का टेंट तो मैंने यूज़ नहीं किया है सो मेरे लिए यही बहुत अच्छा है. वो जा रहा है बैटरी जा रहा है बट स्टिल आई विल शो यू दिस वन. सो क्रीमी एंड नाइस. क्रीम प्लस से ज़्यादा अच्छा है. Can you see the sign it gives? Instant sign. Instant natural sign on the skin. Love it. I have Dot & Key strobe cream. मैंने use नहीं किया है. मुझे strobe cream चाहिए था and ये सबसे like कम में था and review अच्छे थे इसके so मैंने ले लिया. So I don't know how it is. Smells like strawberry. Little bit sign on my hand. एंड इसमें बिल्कुल भी ग्लिटर नहीं है. लाइक इट इज़ नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ ब्लिंगी ब्लिंगी साइन. नो इट्स नॉट अ स्ट्रोब क्रीम काइंड ऑफ. बहुत ही क्रीमी है बट ग्लिटर बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही कम ग्लिटर है इसमें एंड बिल्कुल भी वैसा साइन स्ट्रोब क्रीम वाला नहीं दे रहा है. मुझे लगता है मुझे इसमें और हाईलाइटर डालना पड़ेगा. सो इट्स नॉट अ गुड चॉइस बट ठीक है मैं अपने हाथ और बॉडी पर यूज़ कर सकती हूँ एंड इट इज़ बेसिकली फॉर दैट ओनली. मॉइस्चराइजर मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई लव इट. बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है विच इज़ फॉर ड्राई टू सेंसिटिव नॉर्मल स्किन. देन आई हैव दिस सनस्क्रीन विच एक्ट एज अ प्राइमर एज अ स्ट्रोब क्रीम बिकॉज ये भी बहुत अच्छा एकदम ग्लास काइंड ऑफ स्किन देता है एंड ऑल्सो सन प्रोटेक्शन देता है जो मुझे रात में चाहिए नहीं बट आई विल यूज़ इट लिटिल बिट जस्ट टू गिव शाइन टू माई फेस. मे बी आई विल यूज़ इट. अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा तो आई विल नॉट लेयर इट दैट मच बट येस दिस इज़ द प्रोडक्ट. Now on to my last box. So let's open it. Okay, so this is a sugar magnetic eyelash in the style genuine 01. And which मैंने बहुत सुना था इसके बारे में. मैंने review देखा. पहले मैं सोची थी कि eyelashes नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं आता मैं handle नहीं कर सकती
बट मैंने इसका रिव्यू देखा कि बहुत इजीली लोग एक बार में लगा दे रहे थे, सो आई थॉट दैट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगर लग गया तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट एंड लुक देगा, सो मैंने मंगा लिया. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट. Do let me know in the comment section below and don't forget to check out my engagement makeup look because that is the part where you will see me using all these products.